खरगोन शहर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निर्धारित सीटों पर प्रवेश के बाद भी सैकड़ों छात्र छात्राओं के प्रवेश से वंचित होने के बाद मंगलवार को छात्र संगठन NSUI ने सीट बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। NSUI पूर्व प्रदेश महासचिव रंजित डंडीर, जिला अध्यक्ष अक्षय रघुवंशी ने बताया कि प्राचार्य RS देवड़ा को प्रदर्शन के बाद 30% सीटों को बढ़ाने की मांग को लेकर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि मेरिट के आधार पर कॉलेज प्रबंधन प्रवेश देता है, लेकिन प्रक्रिया के दौरान कई छात्र ऐसे हैं जो मेरिट सूची में शामिल है लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 70-80% अंक लाने वाले छात्र छात्राएं प्रवेश के लिए भटक रहे हैं। पूर्व प्रदेश महासचिव डंडी ने बताया कि महाविद्यालय में सैकड़ों जरूरतमंद विद्यार्थी सीमित सीटों के कारण प्रवेश से वंचित रह गए हैं, लेकिन राज्य सरकार छात्रों की पीड़ा को नहीं समझ रही। शेष छात्रों को प्रवेश नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये जो छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए हैं तो उनके लिए सीट बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। क्या मांग है? मांग यह है कि अभी कॉलेज में CLT राउंड चल रहा है, इसमें आज की तारीख में 50-80% के बच्चे भी ऐसे हैं जिन्हों को एडमिशन नहीं मिला, जिनको इनकी सीट बढ़ाने के लिए इनको सभी जितने छात्र छात्राएं छात्र प्रवेश से वंचित रह चुके हैं इनके लिए इनके सभी का एडमिशन हो एवं इनके लिए सीट बढ़ाई जाए। 30% सीट की मांग की है। जिन्या और भगवानपुरा कॉलेजों में सीट खाली है, परंतु वहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें हम वहीं एडमिशन लेने के लिए बोल रहे हैं कि आप वहीं एडमिशन लें। या खरगोन के इतने बच्चे अभी रह गए प्रवेश से वंचित कि वहाँ के बच्चे तो अभी दूरी है। यदि आपकी मांग का निराकरण नहीं रहता है तो अगला कदम क्या है? हमारी मांग का निराकरण नहीं होता है तो अगला कार्यक्रम यह रहेगा कि उग्र आंदोलन करेगी इनसे और जिसकी पूर्ण जवाबदारी कॉलेज प्रशासन की रहेगी। अक्षय रघुवंशी, इनसे जिला अध्यक्ष, खरगोन। महाविद्यालय में जो निर्धारित सीटें हैं उसी के अनुसार प्रवेश हो रहे हैं और जिन जिन क्लासों में खाली सीटें हैं उसमें ये अभी 28 तारीख कल से फिर से शुरू हो गया है उसमें प्रवेश दिए जाएंगे, लेकिन जहां सीटें फुल हो गई है वहां तो संभव नहीं है। 30% सीट बढ़ाए जाने की मांग भी की जा रही है एक्स्ट्रा, ये विद्यार्थियों ने अभी ज्ञापन दिया है, इनकी बात को ऊपर तक भेज देंगे। आरोप ये भी लग रहा है कि सीट की जो भर्ती हो रही है इसमें मतलब राजनीति के तौर पर मतलब भर्ती किया जा रहा है, ऐसा पक्ष के दबाव में हो रहा है, ऐसा संभव ही नहीं, असंभव है। और अभी मेरी बात छात्रों से हुई है, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है और विद्यार्थी सब जानते हैं, मेरिट लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगी होती है तो ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञापन दिया, अगली कार्रवाई क्या रहेगी? ज्ञापन को आगे भेज देंगे, जो भी प्रदेश स्तर पर कार्रवाई चल रही है, जो भी निर्णय हो रहे हैं वर्तमान स्थिति में वो प्रदेश स्तर से ही निर्देश आ रहे हैं, उनके शासन के निर्देशों को पालन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।